Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. आज के इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऑर्गेनाइजर्स शेयर कर रही हूँ जो बिल्कुल जीरो ऑफ कॉस्ट हैं एंड DIY में कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैक्स शेयर कर रही हूँ जो बिल्कुल आपके काम आएंगी। जो जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं उन्हें बता दूँ, मेरा नाम है वर्षा और मैं इस चैनल पर करती हूँ बहुत सारी ऐसी वीडियो शेयर जो आपके घर से और आपसे रिलेटेड होती हैं। तो अगर आप इस तरह की वीडियोज में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को दबा दो नोटिफिकेशन के लिए। चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला ऑर्गेनाइज़र मैं बेस्ट चीज़ से बना रही हूँ, जो हमने कप लिए थे ना उनके इस तरह के कार्डबोर्ड्स निकल आते हैं, कवर्स निकल आते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं, हार्ड होते हैं। इनमें पार्टीशन तो नहीं था, पार्टीशन मैंने हटा दिया, बट इसका जो कलर है और थिकनेस है वो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। मैं कोई भी इसका यूज़ कर सकते हैं, इसकी ट्रे भी बना सकते हैं जिसमें हम अपने डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं या कोई भी किचन से रिलेटेड आइटम रख सकते हैं। बट मैं ट्रे नहीं बनाने वाली हूँ, मैं कुछ नया बनाने वाली हूँ। तो ये हार्ड है, अगर आपके का हार्ड नहीं है ना तो उसमें आप एक दो लेयर और लगा लीजिए कार्डबोर्ड की, तो वो अच्छे से हार्ड हो जाएगा। देन इसमें कोई भी अपने अकॉर्डिंग कलर कर लीजिए। तो मैंने एक्रेलिक पेंट ही किया है एंड बॉर्निश उसमें लगा दिया है ताकि ये वाटरप्रूफ हो जाए, और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड जो इसके ऊपर का कवर है उस पर भी मैंने इस तरह का कलर कर दिया है रेड कलर का, उसको मैं बाद में यूज़ करूँगी, फ़िलहाल इसका मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो इसको मैंने इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में रख दिया है एंड इसमें अपने छोटे छोटे जो ग्लास के जार्स हैं ना उनको मैं अरेंज कर रही हूँ, और ये जो प्लेटफॉर्म का है ना लुक काफ़ी अच्छा कर देगा। आप इसको टी कॉर्नर भी बना सकते हैं या अपने निक नैक आइटम्स रखने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें ग्लास की बोटल्स रखी हैं जो देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं। अगर आपका हार्ड कार्डबोर्ड नहीं है ना तो उसमें आप ग्लास की मत रखिएगा, ये मेरा काफ़ी हार्ड है जिसमें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई हैं, गिरने का भी डर नहीं है। तो ये देखिए कितना सुंदर कॉर्नर लग गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से आप DIY करके आप किचन के कोई भी एक कॉर्नर को डेकोरेट कर सकते हैं। Artificial love, we just make it up, cause we are. नेक्स्ट DIY में मैंने फिर से एक कार्डबोर्ड लिया है, बहुत छोटे साइज का है, और उसके ऊपर मैंने इस तरह का कैप लगाया, जो बेबी वाइप्स निकलते हैं ना कई तरह के, वो कैप मैं निकाल के रख लेती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे काम कर जाते हैं, कहीं ना कहीं मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ। मैंने पहले भी शेयर किए थे स्विच बोर्ड में लगाने के लिए, फ़िलहाल अब मैंने इसमें उसी अकॉर्डिंग एक होल कर लिया है जितना ये कैप है ऊपर का, और इसमें ग्लूगन की हेल्प से या फिर फेवी बॉन्ड की हेल्प से चिपका दीजिए। तो फेवी बॉन्ड से मैंने चिपका दिया है एंड ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनेगा। इसमें को मैं यूज़ कर रही हूँ अपने इस तरह के क्लॉथ, छोटे छोटे जो किचन में यूज़ होते हैं, कोई भी नीचे तेल वेल गिर जाता है या कोई भी चीज़ गिर जाती है उनको अरेंज करने के लिए। छोटे छोटे टुकड़े हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे, बाहर को नहीं देखेंगे, और निकालने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो निकालने की होती है ना वो आसानी से निकाल पाएंगे। तो इसको आप प्लेटफॉर्म पे या ड्रॉअर में रख दीजिए एंड जब भी आपको चाहिए होगा कैप खोलिए और एक कपड़ा निकालिए, आपको बार बार पूरा उठाने के ढक्कन खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा काम भी करेगा ये। थर्ड DIY में मैंने अगेन ऑर्गेनाइजर्स लिए हैं, मैं बहुत जल्दी जल्दी बनाने वाले ऑर्गेनाइजर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें मेहनत भी नहीं लगेगी, पैसे भी खर्च नहीं होंगे, और ये बहुत अच्छे काम भी करेंगे और देखने में भी अच्छे लगेंगे। तो इसमें अगर प्रिंट है तो इसको आप उल्टा कर लीजिए, या अगर आपके पास गिफ्ट रैप पेपर है या क्लॉथ पेपर है, क्लॉथ हैं कोई उनको चढ़ा दीजिए। फ़िलहाल मैं मुझे इस चीज़ के लिए यूज़ करने थे ना उसमें कोई भी कवर करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ उल्टा किया है और प्लेन साइड इसकी ली है। एंड दूसरे में जो डिब्बा था ना उसमें ऑलरेडी प्लेन साइड था तो मुझे उल्टा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके जो ऊपर के पार्ट्स हैं उसको कट करके मैं अलग कर रही हूँ, एंड जो ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना इसको थोड़ा सा सिक्योर करना था तो मैंने पिन से ही किया है सिक्योर, ये जो स्टेपलर से ही कर दिए थे, और टेप वगैरह भी लगा सकते हैं। एंड इसमें मैंने होल किए हैं पेपर होल से, जो पेपर्स में होल किए जाते हैं ना वो मशीन से, एंड अगर वो पूरा तो मेरा नहीं जा रहा था तो इस तरह से कैची से या फिर पेपर कटर से भी आप इसमें होल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पूरे डिब्बे में ही अच्छे से होल कर लिए हैं दोनों ही डिब्बे में।
and even if it was, we just mess it up. एंड इसकी हाइट मैंने सेम साइज़ की रखी है। एंड इसमें मैं रखने वाली हूँ अपने पोटैटो, ऑनियन और गार्लिक। ये ना इसमें अब प्रॉपर एरेशन भी होगा तो ख़राब नहीं होंगे, और बास्केट में या जहाँ भी रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे, पूरे में फैलेगा नहीं। एंड इसका कचरा जो पूरे में फैल जाता है ना, वो भी नहीं फैलेगा। तो पार्टीशन करके आप इसमें गार्लिक भी रख सकते हैं, और अपनी किसी भी कैबिनेट में या ड्रॉर में रख दीजिए। ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे और देखने में भी अच्छे लगेंगे। अगेन फिर से एक कार्डबोर्ड, और ये एक जो ड्राई फ्रूट मैंने रखने के लिए मंगाया हुआ था सर्विंग ट्रे, उसका है। और इसको भी मैं ऊपर का पार्ट काट रही हूँ। इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है सिर्फ उसी को मैंने कट किया है। एंड अगेन इसको पिंच मैं कर दूँगी ताकि इसको सिक्योर अच्छे से रहे और टूटे ना। इसमें टेप वगैरह से अच्छा है कि इस तरह से पिंच लगा दीजिए और अच्छे से हो जाएगा। अब जो आपकी कैबिनेट हैं जिसके ऊपर का पार्ट आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, केवल सिंगल रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो आप इस तरह के कार्डबोर्ड को कट करिए उसी अकॉर्डिंग, अलमीरा के अकॉर्डिंग, और उसमें रख दीजिए। अब मेरा इसी का डिब्बा था तो इसमें आराम से फिक्स आ गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब नीचे भी रखा रहेगा सामान, एंड ऊपर भी हम लोग बहुत सारा सामान रख सकते हैं, बाउल्स वगैरह, कप वगैरह अरेंज करके रख सकते हैं। तो आपका जो एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम हो रहा था वो भी नहीं होगा, और आपको बहुत सारी जगह भी मिल जाएगी रखने के लिए। अब आपको जब भी प्लेट निकालनी होगी तो सारे ऊपर से बाउल्स तो नहीं हटाने पड़ेंगे, और आराम से आप या जो भी एक्स्ट्रा सामान रखा है वो निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें ग्लास, बाउल्स, छोटी मोटी चीज़ें अपने रख सकते हैं, तो आपका एक्स्ट्रा स्पेस काफ़ी बच जाएगा। किचन के प्लेटफॉर्म पर ना ये बहुत क्लटर करती हैं, जो हमारी गैस की वायर होती हैं। यहाँ पर तो मुझे काफ़ी लग रहा था ना कि क्या रखूं कि ये बहुत अच्छे से दिखे ना, यानी कि हाइड हो जाए, और जो कॉर्नर है वो भी डेकोरेट लग रही। तो मैंने यहाँ पर रखी है ये जो मटके वाला स्टैंड आता है ना, वो रखा है। एंड इसी तरह से आप भी रख सकते हैं अगर आपकी इस तरह का कॉर्नर डेकोरेट करना चाहते हैं या फिर इसको हाइड करना चाहते हैं। तो इस पर मैंने रखे हैं टी, शुगर कंटेनर, ऑयल के कंटेनर, घी कंटेनर, एंड जो रेगुलर गैस के पास चाहिए होता है ना सामान, बुक। और इसको थोड़े से फ्लावर्स से डेकोरेट कर दिया है। एक फेक रखा है, एक रियल रखा है प्लांट, तो ये कॉर्नर बहुत अच्छे से डेकोरेट लगेगा। और ये जो वुडन ट्रे थी उस पर मैंने छोटे मोटे ये चीज़ें रख दी हैं, और ये कॉर्नर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, नीचे से पाइप भी पूरी। अगेन कोई और चीज़ ट्राई करना चाहते हैं तो इस तरह का कोई भी आपके पास स्टैंड हो उसको लगा दीजिए। और जो मैंने उस साइड बांधी थी ना पाइप, अब उसको हटाकर मैंने इसके नीचे कर दिया है, तो ये भी नहीं दिख रही है। और आप अपने यहाँ पर अपने ज़रूरत का सामान रख सकते हैं। तो अगेन मैंने टी, शुगर कंटेनर, नमक, अचार, छोटे मोटे मसाले के इसमें कंटेनर रखे हैं, और कॉर्नर में सेम उसी स्टैंड में बस छोटी सी प्लेट रख के, और एक प्लांट रखा है रियल प्लांट, तो वो कॉर्नर और भी अच्छा लगने लगा। एंड वुडन में मैंने सारी अपने वाइल्स बोतल, घी की बोतल रख दी है, तो अरे अगेन ये कॉर्नर आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। जब हमें कोई चीज़ हैंग करनी होती है तो हम लोग इस तरह से डबल साइडेड टेप वाले हैंगर्स ढूंढते हैं कि ये लगा लूँगी तो बहुत अच्छे से काम कर जाएंगे, बट सम टाइम इसको यूज़ करने के बाद कोई भी वेट वाली चीज़ रख देते हैं तो ये नीचे आ जाता है खिसक के। तो उसकी जगह पे आप अगर दीवारों पर लगाना चाहे, बॉल पर लगाना चाहे, या वार्डरोब पर लगाना चाहे, कवर्ड पर, तो आप इस तरह की जो छोटी छोटी पिन वाले होते हैं ना चिपकाने की बजाय, वो ख़रीदें। वो आपके बहुत लंबे समय तक चलेंगे और बहुत स्ट्रांगली वर्क करेंगे। इस पे आप कोई भी भारी भारी चीज़ टांग सकते हैं। तो ये तीन मैंने दीवार पर लगाए हुए हैं, और इसमें भारी भारी सारी चीज़ें मैं टांग लेती हूँ, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सारे आपको मिल जाएंगे। तो ये आप टाइल्स पे तो नहीं लगा सकते हैं, बट अगर दीवार है ना तो उस पर आप इसी तरह के हुक्स का यूज़ करिए, बहुत आराम से लग जाते हैं। और जो आपकी लकड़ी की वार्डरोब होती है ना, कोई भी कवर्ड, उसमें भी आप ये ईज़िली हैंग कर सकते हैं। तो आपके जो भी छोटे मोटे सामान आपको हैंग करने होते हैं या भारी सामान भी, आप इसमें हैंग कर सकते हैं, और जो आपका एक्स्ट्रा स्पेस है ना वो भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगेन ऑर्गेनाइजेशन में तो हर चीज़ आती है कि किचन में हम क्या क्या ऑर्गेनाइज कर लें। उसी में इस तरह की एक रैक है जिसमें प्लेट मैं रखती हूँ, बट जो छोटी छोटी सी प्लेट्स होती हैं ना वो नीचे से गिर जाती हैं, तो उसके लिए मैंने इस तरह का एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेके रखा है। एक्चुअली ये बुक वाला बनाया था, बट वहाँ यूज़ नहीं कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। जितने भी कैप ढक्कन थे उसमें लगा दिए हैं।
उसी तरह अगर कैबिनेट बार बार बिखर रही है ना, तो उसमें ऑर्गेनाइज़र को रख दीजिए, या तो आप बास्केट या कार्डबोर्ड के बनाकर डीआईवाई करके भी रख सकते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें सेपरेटली रहेंगी और बार बार बिखरेंगी नहीं, तो वो आपको बार बार ऑर्गेनाइज नहीं करनी पड़ेंगी, तो आपका टाइम भी काफ़ी सेव होगा। यहाँ पर कुछ है जो हम लोग किचन टॉवल्स काफ़ी यूज़ करते हैं अलग अलग जगह के लिए अलग अलग तरह के, तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ ना एक कलरफुल वाले ले लें। तो कलरफुल में क्या होता है, आप डिसाइड करके रख सकते हैं ये कलर का इस रूम का है, ये कलर का इस रूम का है, और सिंक का अलग रख लीजिए, किचन की जो गैस को क्लीन करने के लिए है वो अलग रख लीजिए। तो पैटर्न आप इस तरह से फोल्ड करिए जैसे मैंने मोबाइल में दिखाया है वीडियो में, सेम वही पैटर्न कर से फोल्ड करके आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अपने किचन टॉवल्स को। ये बार बार बिखरेंगी भी नहीं और आपकी एकदम रो में लगी रहेंगी, तो वो अच्छे से क्लटर नहीं दिखेगा और बिल्कुल क्लीन दिखेंगी कैबिनेट्स है ना, उनको आप एक ऑर्गेनाइज़र में रख दीजिए। मैंने फ्रिज का ऑर्गेनाइज़र यहाँ पर यूज़ किया है और सारी किचन टॉवल्स को यहाँ पर अरेंज कर दिया है, तो आप कैबिनेट देख रहे हैं ना बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज है। काफ़ी सारे टॉवल्स एक ही साथ आ गए हैं जो मैंने डीआईवाई बनाया, सेम वहाँ पर रख दिया है। एंड ये जो छोटे छोटे बिस्किट के साथ या किसी भी चीज़ के साथ डिब्बे आ जाते हैं ना, उनको भी मैं यूज़ कर लेती हूँ कैबिनेट में थोड़ा सा पार्टीशन देने के लिए, तो बहुत अच्छे से चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं, थोड़ी सी जगह पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो हमारे मैस बैग्स हैं ना, उनको एक के अंदर मैंने काफ़ी सारे पॉलीथिन वगैरह जो हम फ्रिज में यूज़ करते हैं उनको रखा है, तो जब भी हम ढूंढेंगे ना कोई चीज़ एक ही जगह पे मिल जाएगी। ओके दोस्तों, तो आज ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो, तो बिल्कुल भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अब आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। Artificial love, we just make it up, 'cause reality